हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रूपमंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर हुई 7, जख्मी जवान को नहीं बचाया जा सका। पेट्रोलिंग के दौरान नक्सलियों ने आईडी से किया था ब्लास्ट। पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन का मिला करारा जवाब, बीएसएफ ने कई बंकरों को किया तबाह, बंक रेंजर्स ने की फायरिंग रोकने की अपील। उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दर्ज हुआ एक और मुकदमा, पीड़ित के पिता के पास से तमंचा बरामद कराने की साजिश रचने का आरोप। शपथ से पहले कुमारस्वामी सरकार के लिए फॉर्मूला तैयार, कांग्रेस के 20 और जेडीएस के 13 विधायक बन सकते हैं मंत्री, बुधवार को होगी ताजपोशी। नीरव और मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल जा सकती है सीबीआई। सिंगापुर के पासपोर्ट पर लंदन में छिपा है पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली में पेट्रोल अब तक के उच्चतम स्तर पर, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए प्रति लीटर के पार। हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भाटी। कर्नाटक में एचडी कुमार स्वामी की सरकार 23 मई को शपथ लेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कोटे से 20 मंत्री सरकार में शामिल होंगे, हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। वहीं शपथ से पहले सोमवार को कुमार स्वामी राहुल और सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आएंगे। ढाई दिन की सरकार गिरी तो कहा गया कि 21 मई को नई सरकार शपथ ले लेगी, लेकिन राजीव गांधी की पुण्य तिथि की वजह से अब शपथ की तारीख बदल दी गई है। एचडी कुमार स्वामी अब 23 मई को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वेडनेसडे वी आर गोइंग टू टेक बिकॉज़ ऑन मंडे राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी इज देयर, दैट इज नॉट द प्रॉपर डेट बिकॉज़ एंटायर कंट्री कांग्रेस वर्कर्स दे आर इन दैट डेथ एनिवर्सरी फंक्शन। At that time, this oath taking ceremony is not good. For that reason, we defer it to Wednesday. सरकार का स्वरूप क्या होगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एक दो दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। Remaining issue we are going to discuss on Monday morning. कांग्रेस के कितने मंत्री शामिल होंगे इसका अंतिम फैसला पार्टी के बड़े नेता करेंगे, मगर ये साफ है कि सरकार चलाने के लिए एक साझा कार्यक्रम बनेगा जिसमें दोनों पार्टियों के लोग शामिल होंगे। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो खासदौर किसान, गरीब और मजदूर और जो हमारे नौजवान हैं, इन लोगों के लिए कार्यक्रम साझा में होना चाहिए। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाने का सोच है दोनों पार्टी में, दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग जो है वो शामिल होंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी में। कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा करके ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के पाले से डिप्टी सीएम के अलावा 20 मंत्री भी सरकार में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री रह सकते हैं, जिसमें जेडीएस के कोटे से 13 और कांग्रेस के 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम की रेस में कांग्रेस के जी परमेश्वरा सबसे आगे हैं। जी परमेश्वरा कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के ऑपरेशन विधायक बचाओ के सूत्रधार डीके शिव कुमार ऊर्जा मंत्री हो सकते हैं। वो पिछले सिद्धरमैया की सरकार में भी ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये गठबंधन बेमेल है, ऐसे में सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जनादेश का अपमान किया, जनता ने दोनों पार्टी को हराया,
एक को 40 से 37 किया, एक को 122 से 78 किया और बीजेपी को 40 से 104 किया। जिसको बढ़ाया वो सत्ता से बाहर और जिनको घटाया वो सत्ता में आ गए। जनता बदला लेगी इसका। कांग्रेस के 78 और जेडीएस के 38 विधायकों को मिलाकर सरकार आसानी से बन जाएगी और जो हालात है उससे सरकार चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2019 में बीजेपी को टक्कर देना है तो मिलकर रहना होगा। टीम न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। और इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि कर्नाटक में ड्रामे की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी थी। ड्रामा का जो स्क्रिप्ट है या स्क्रीन प्ले है वो बीजेपी ने लिखा था, उससे भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। हम कांग्रेस मुक्त भारत की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में जो ड्रामा हुआ उसे कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार नहीं होगा। कुछ चीज़ें डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए हमको छोड़ देनी चाहिए। अगर हम ये छोड़ेंगे नहीं तो ये फिर एक बार हमें इस तरह से हमें बदनाम करेगी और कांग्रेस पार्टी को ताकत देगी। कर्नाटक में जो विकल्प हुआ है वो डेमोक्रेसी की गरिमा, राज्यपाल पद की गरिमा, उनको ठेस पहुंचने वाली बात थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल 33 पैसे महंगा होकर 76 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले 14 सितंबर 2013 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76 रुपये 6 पैसे देखी गई थी। देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए तेल के भाव के अंकगणित को। सरकार और विपक्ष कर्नाटक के नाटक में व्यस्त है तो इधर जनता पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से त्रस्त है। सरकार को ना तो दाम घटाने की चिंता है और ना ही विपक्ष को आवाज उठाने की फुर्सत है। पेट्रोल के लिए सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर काम पे जाना है, गाड़ी में जाना है, पेट्रोल डलवा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहे। जब से मोदी जी आए परेशान के अलावा कुछ नहीं ला रहे। कर्नाटक में MLA खरीदने के 100 करोड़ हैं, यहाँ पेट्रोल का तुम कम करने के लिए उन पर कोई पॉलिसी नहीं है। MLA कैसे खरीदें वो सही है, लेकिन जनता जो इतनी परेशान है बस राज चाहिए। आलम यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम 4 साल के उच्चतम स्तर पर हैं। कई शहरों में तो पेट्रोल का भाव 80 के पार पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल में बढ़ती तेजी से नौकरी पेशा वालों की जिंदगी बेरंग होती जा रही है। रोज के रोज बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे को जो पेमेंट तनख्वाह मिलती है उसमें पेट्रोल कहते हैं कि इतने लिमिट में स्कूटर चलाओ या अपने मार्केटिंग करो, लेकिन रोज के रोज मोदी जी बढ़ाई जा रहे हैं, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। इसका एक मेन सोल्यूशन निकालना चाहिए, रोज के रोज पेट्रोल नहीं महंगा करना चाहिए, इससे लोग बहुत परेशान हैं। डीजल से महंगी होने से लोगों की महंगाई बढ़ेगी और हम लोगों पे भार बढ़ेगा। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबका यही सीन है, कोई पेट्रोल के रेटों में कोई फर्क नहीं होता। जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं वैसे ही दोबारा रेट बढ़ जाता है और ये जनता ही है, जनता के पैसों से सब कुछ जाता है और कुछ नहीं है। बस कुछ नहीं कर सकते, अपना गुजारा कर सकते हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। एक नजर कीमतों पर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76 रुपये 24 पैसे और डीजल 67 रुपये 57 पैसे है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 84 रुपये 7 पैसे और डीजल 71 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल 78 रुपये 91 पैसे और डीजल 70 रुपये 12 पैसे है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 79 रुपये 13 पैसे और डीजल 71 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर है। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी से भाव बढ़ रहे हैं। सीरिया संकट की वजह से उत्पादन में गिरावट की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला और ईरान से ही सप्लाई में कमी आई है। फिलहाल कच्चा तेल $77 प्रति बैरल के पार है। अगले साल तक $100 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। सरकार अपनी कमाई कम करने को तैयार नहीं है, केंद्र एक्साइज ड्यूटी घटाने को तैयार नहीं है तो राज्य सरकारें वैट कम करने पर राजी नहीं है। GST के अंदर पेट्रोलियम को लाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। इसके अलावा तेल कंपनियों पर भी सरकार नियंत्रण नहीं रख पा रही है और इसका नतीजा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 56 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर है। 14 दिसंबर 2013 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76 रुपये 6 पैसे थी। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए सीबीआई इंटरपोल जा सकती है। पीएनबी में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप में ये दोनों फिलहाल फरार चल रहे हैं। पीएनबी घोटाला मामले में हाल ही में नीरव मोदी और चौकसी के खिलाफ आरोप दायर किया गया था। जांच एजेंसी अब इन दोनों के खिलाफ सुनवाई शुरू करने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है और इसके लिए सीबीआई उन्हें वापस देश लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल जाएगी। पीएनबी ने सीबीआई में मामला दर्ज कराया था, इसी आधार पर एजेंसी ने नीरव मोदी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। पीएम मोदी भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सोमवार को मुलाकात करेंगे। सोमवार को भारत और रूस के बीच शिखर बैठक होगी। साल 2000 से चली आ रही इस बैठक से इस बार खास मायने जताए जा रहे हैं। रूस के चौथी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन और मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। मोदी राष्ट्रपति पुतिन से बिना तय एजेंडे की इस बातचीत के लिए 21 मई को सुबह रूस के शहर सोची पहुंचेंगे, जहां दोपहर में मोदी और पुतिन के बीच शिखर बैठक होगी। वहीं इससे पहले रूसी राष्ट्रपति भारतीय पीएम के सम्मान में भोज देंगे। दोनों देश आपसी आर्थिक संबंधों को और कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। मोदी और पुतिन की यह मुलाकात 4 से 6 घंटे चल सकती है। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर बहुत सीमित चर्चा होगी। साथ ही मोदी और पुतिन ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने, अफगानिस्तान और सीरिया में हालात आतंकवाद के खतरे को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में गंभीर रूप से जख्मी जवान अर्जुन को भी नहीं बचाया जा सका है, जिसके बाद नक्सली हमले में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। बता दें कि दंतेवाड़ा के चोला नगर गांव में नक्सली ने उस वक्त पुलिस की गाड़ी पर आईडी के जरिए ब्लास्ट कर दिया था, जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। शहीद हुए जवानों में हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, असिस्टेंट कांस्टेबल टिंकवेश्वर ध्रुव, कांस्टेबल सालिक राम सिन्हा, हेड कांस्टेबल विक्रम यादव शहीद हो गए हैं। इनके अलावा कांस्टेबल राजेश सिंह, कांस्टेबल रवि पटेल और हमले में बुरी तरह घायल जवान अर्जुन राजभर भी शहीद हो गए हैं। ये तस्वीरें उस कायरता की निशानी है जिसे नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में घात लगाकर अंजाम दिया। पीठ पीछे आईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने जवानों की जान ले ली। आईडी धमाका इतना घातक था कि गाड़ी और उसमें सवार जवानों के शरीर शत विशत हो गए। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान सड़क निर्माण को सुरक्षा देने जा रहे थे। नक्सलियों ने रास्ते में मौत का सामान बिछा रखा था। जैसे ही गाड़ी उस जगह से गुजरी, जोरदार धमाका हो गया। देवड़ा जिला अंतर्गत किरंदुल से चोला तरफ एक पेट्रोलिंग व्हीकल जा रहा थे, उसका आईडी के माध्यम से उड़ाया गया। इसमें सवार हमारा 6 जवान शहीद हो गए, एक घायल हुआ। अभी इसमें जिला बल का और छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान शामिल थे, ये ऑपरेशन ड्यूटी में थे। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अभी जिला यूनिट से आना शेष है, जिस उसके आने के बाद फिर हम संपूर्ण जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। लेकिन अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला उसमें 6 जवान हमारा शहीद हो गए थे और एक जो घायल अभी वर्तमान उनका किरंदुल बचेल में इसके इलाज जारी है। यदि आवश्यकता अनुसार उनका एयरलिफ्ट करके रायपुर में भी ट्रीटमेंट के लिए जा सकता है। वारदात के बाद अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेट्रोलिंग मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों तक कैसे पहुंची। इलाके में जो अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो जिला पुलिस बल है वो सर्चिंग अभियान कर रहे हैं और एग्जैक्टली इस घटना में कौन सी फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट है और किस तरीके से जो घटना हुआ ये पूरा भी सर्च कर फिर पता करवा रहे हैं। और इन लोगों के विरुद्ध में भी प्रभावी रूप से भी अभियान भी संचालित होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में भी उनका जो इंजर्ड है उनके इवैक्यूएट करने के लिए अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के इस इलाके में राजनाथ सिंह और सीएम रमन सिंह भी जाने वाले हैं। ऐसे में दौरे से पहले इस वारदात को सुरक्षा पे बड़ा सवाल माना जा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि नक्सली नाकेबंदी से बौखला गए हैं और विकास की रफ्तार को रोकने के लिए अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में एक नक्सली घटना हुई जिसमें एक पुलिस जवानों के बस को ब्लास्ट किया गया, हमारे जवान 4 शहीद हुए, 3 गंभीर घायल हुए। ये विकास का विरोध इस प्रकार से नक्सली करते हैं, डेवलपमेंट के काम से हमेशा नक्सलियों को जिस प्रकार ये शहीद जवानों को निशाना बनाया जाता है, इसी कारण हरकत को देखते हुए पूरे देश में इस बात की चिंता है और हम इन घटना का मुंहतोड़ भी जवाब देंगे।
इससे पहले 13 मार्च को सुकमा के पलोदी में आईडी ब्लास्ट कर एंटी लैंड माइन वाहन को उड़ा दिया था। इसमें 9 जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा के दोरनापाल में सीआरपीएफ जवानों को एम्बुश में फंसाकर हमला किया गया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे। इसी तरह 11 मार्च 2017 को नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को ही निशाना बनाया था, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इन हमलों के बाद सुकमा और दंतेवाड़ा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें कई नक्सली मारे गए थे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। पाकिस्तान को इस बार सीज फायर उल्लंघन महंगा पड़ा है। बीएसएफ की कार्रवाई में उसके कई बंकर तबाह हो गए। गोलीबारी से घबराकर पाकिस्तान ने सीज फायर की गुजारिश की है। गोली से बंद हुई पाकिस्तान की बोली। दर्द से पड़ोसी मुल्क अब मांग रहा है माफी। जो पाकिस्तान अब तक गोली की बात कर रहा था, उसे जवाब मिला तो वो हाथ जोड़ने लगा। बीएसएफ की कार्रवाई में जब बंकर तबाह हुए तो पाकिस्तान शांति की बात करने लगा। दरअसल रोज रोज के सीजफायर से तंग आकर बीएसएफ ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान बंकरों के पर खच्चे उड़ गए। डर के मारे पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ से सीजफायर की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री 2 दिन के कश्मीर दौरे पर थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा था। जवाब में इतनी गोलियां बरसाई गई कि पाकिस्तान पानी मांगने लगा। और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है और जिस प्रकार की वो हिमाकत करता है, जिस प्रकार का उसका कोई भी उसके अंदर जो है कहना चाहिए कोई इंसानियत के नाते जहां कोई वैल्यू नहीं है, वो आज जो है उसने जिस प्रकार से आक्रमण किया सीमा के ऊपर। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था। गोलीबारी में 1 जवान समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हिमाकत से बौखलाए जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की नजर में सीजफायर का कोई मायना नहीं रह गया है। 2018 में अब तक 720 बार से ज्यादा LOC पर सीजफायर का उल्लंघन वो कर चुका है। इस साल अब तक फायरिंग में 33 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 17 जवान शामिल है। बीएसएफ की कड़ी कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज आए। टीम न्यूज वर्ल्ड। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बलिया जिले में पूर्ण रूप से शराबबंदी को लेकर आयोजित महिला अधिकार महारैली को संबोधित करते हुए राजभर ने कार्यकर्ताओं से कहा, अगर आप किसी पार्टी की रैली में बिना ओम प्रकाश राजभर की अनुमति के जाएंगे तो आपको मेरा श्राप लगेगा और पोलियो हो जाएगा, और पोलियो तभी ठीक होगा जब ओम प्रकाश राजभर की दवाई लोगे। हमारी बात आखिर सुनिए, आप कौनों पार्टी के रैली में गई बा, कोई के पार्टी के रैली में गई बा, जब तक ओम प्रकाश राजभर का निर्देश लेकर के आपके प्रदेश और जिले की टीम जब तक आपके बीच में नहीं जाएगी, तब तक किसी पार्टी की रैली में अगर कोई गया तो ये समझ लेना कि ओम प्रकाश राजभर का उसको श्राप हो जाएगा। क्या होगा? श्राप होगा, उसको पीलिया हो जाएगा। ठीक तभी होगा जब ओम प्रकाश राजभर की दवाई लोगे, तभी तेरा पीलिया ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी इलाहाबाद के SP को धमकाते नजर आ रहे हैं। SP का कसूर बस इतना था कि वो विधायक साहब को पहचान नहीं पाते और उन्हें CM के कार्यक्रम में जाने की इजाजत नहीं दी। वीडियो में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुम लातों के भूत हो, लातों से ही मानोगे। दरअसल मुख्यमंत्री का इलाहाबाद में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें कुछ मंत्री शामिल थे। इसी दौरान गेट पर सुरक्षा में तैनात SP गंगापार सुनील कुमार ने जब विधायक को रोकने की कोशिश की तो विधायक साहब भड़क गए और बदतमीजी से पेश आए। उन्नाव दुष्कर्म मामले में फंसे बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
सीबीआई ने सेंगर के खिलाफ पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट में फंसाने की साजिश रचने के आरोप में एक और केस दर्ज कर दिया है। इस संबंध में शनिवार को विधायक को सीतापुर जेल से लाकर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी रिमांड मांगी, कोर्ट ने दो दिन की रिमांड मंजूर कर दी। 20 मई से विधायक की रिमांड शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर और उनके 5 गुर्गों पर पीड़िता के पिता को पीट पीट कर मारने का मुकदमा पहले से चल रहा है। पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में अतुल सेंगर और उसके साथी भी जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से शराब दुकान के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी दुकान को सील कर दिया गया है। इस मामले में कुछ अबकारी विभाग में कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई है। ऐसे में मामले की जांच कर उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं कुछ लोगों को ऐसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद यहाँ गाँव में कोहराम मच गया है। वहीं जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने जिस ठेके से शराब खरीदी वो थी उसके सैंपल लेकर ठेका बंद कर दिया है। साथ ही क्षेत्रीय अबकारी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं राजस्थान के सिरोही में गोलगप्पे खाने से करीब 60 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़े जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कई मरीजों की तबीयत ज्यादा खराब होने से उन्हें आबूरोड अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीमार लोगों का कहना है कि पानीपुरी खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। हालांकि डॉक्टर अभी मामले की जांच कर रहे हैं। चालीस पेशेंट फूड पॉइजनिंग के आए हैं, जिसमें बड़े भी हैं और बच्चे भी, और सब में पानी की कमी थी और तेज बुखार था। इन्होंने दोपहर को कुछ पकौड़े खाए थे हम गांव में, पालड़ी गांव में रेवदर के पास में, तो वहाँ पे इलाज लिया तो वहाँ आराम नहीं होते, फिर यहाँ लेके आए। तो यहाँ पे आते ही तुरंत हमने इलाज चालू कर दिया है। नर्सिंग कर्मियों ने पूरा अच्छा साथ दिया है और साथ में जन सेवक भी थे और लोकल लीडर भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली में 21 मई से पानी संकट गहरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हरियाणा 21 मई तक पानी देने पर राजी हुआ, लेकिन अब इसके बाद फिर से वही संकट मंडराने लगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर लुटियन जोन में पानी रोकने की बात कही। दिल्ली में कहां से कितना पानी आता है और इस वक्त इसकी क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस दिल्ली की दमक पर देश इतराता है वो महानगर पानी के लिए तरसता है। जी हाँ, देश की राजधानी में एक बार फिर पानी का संकट हो चला है। हरियाणा की मेहरबानी नहीं हुई तो 21 मई से दिल्ली बूंद बूंद को तरस सकती है। गर्मियों के दिनों में वैसे ही पानी की सप्लाई कम हो जाती है। ऊपर से हरियाणा की कटौती की धमकी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक अपर यमुना रिवर बोर्ड में अपील की गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सभी इलाकों में समान मात्रा से पानी की सप्लाई की जा रही है ताकि सिर्फ गरीब लोग ही पानी की किल्लत से ना जूझें। गर्मी की वजह से दिल्ली में रोजाना 916 एमजीडी पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि उसकी तुलना में सिर्फ 851 एमजीडी पानी ही दिल्ली को मिल रहा है। आलम यह है कि वजीराबाद का पौंड लेवल 674.5 फीट से घटकर 671 फीट रह गया है। पानी की कमी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने वीआईपी एरिया में पानी संकट गहराने की आशंका जताई है। ट्यूबवेल के साथ साथ दिल्ली को गंगा, भाखरा और यमुना से पानी मिलता है। बात करें हरियाणा की तो वहां से 3 रूटों से पानी दिल्ली को आता है, यमुना, यमुना कैरियर लिंक और दिल्ली सब ब्रांच कैनाल। यमुना से 375 एमजीडी पानी आता है, जिसमें से 95 एमजीडी पानी चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चला जाता है, जबकि 123 एमजीडी पानी वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है। इसी तरह हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को 210 एमजीडी पानी यमुना और भाखड़ा दोनों से मिलता है। दिल्ली में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। सबसे ज्यादा असर चंद्रावल और वजीराबाद प्लांट पर हो रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को लिया जा रहा है, ताकि किसी भी इलाके में पानी की किल्लत ज्यादा ना हो। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होने की आशंका है उनमें लुटियन जोन, एम्बेसी एरिया, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश,
लोधी रोड, निजामुद्दीन, दिल्ली कैंट, आईटीओ, इंडिया गेट, कनाट प्लेस, जनकपुरी, पंजाबी बाग, मोती नगर, मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन, सिविल लाइंस और अशोक विहार शामिल हैं। दरअसल ये संकट हरियाणा के पानी सप्लाई रोकने की धमकी के बाद मंडरा रहा है। हरियाणा ने पानी पर दिल्ली के अधिकार का विरोध करते हुए आंशिक रूप से सप्लाई रोक दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को आदेश दिया था कि 21 मई तक पानी की सप्लाई बाधित ना हो। अब 21 मई करीब है, ऐसे में दिल्ली सरकार को फिर से पानी सप्लाई बाधित होने की चिंता सताने लगी है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के फैंस की खुशी इन दिनों सातवें आसमान पर है। अभी लोग रेस 3 के ट्रेलर को लूप में देखने में बिजी थे कि अब एक और बड़ी खबर आ गई है। सलमान खान के टीवी गेम शो 10 का दम के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। जी, कितने प्रतिशत भारतीय शादियों में बुराइयां निकालते हैं? 4 घंटे बिता के ही पार्लर में, सुंदर की जगह बंदर दिख रही है। ये शादी? ये दुल्हन? हाँ, हमें तो लगा दूल्हे का बाप है। 60% पक्का या दुक्का? सर पक्का, शादियों में मैंने बहुत पानी पिलाया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान जल्द ही सोनी टीवी पर मेहमानों के साथ 10 कदम खेलते नजर आएंगे। यहाँ ढेर सारी मस्ती भी होगी और लोग माला माल भी होंगे। क्या सीखा आपने? जिसे जिंदगी सिखाए उसे कौन हराए? 10 का दम। सलमान के फैंस के लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है। एक तरफ उनकी मच अवेटेड फिल्म रेस 3 रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े। सुप्रिया जी, जी कितने प्रतिशत भारतीय लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश झाड़ते हैं? दूसरी तरफ 10 का दम भी 4 जून से सोनी पर ऑन एयर होगा। शो के काफी प्रोमोज टीवी पर देखे जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे एक्शन टीसा। एक्शन टीसा